नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी और जिला दर्शन पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनी में राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों से आमजन को जागरूक करने व प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। चूरू के राजलदेसर कस्बे में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी बिजेंद्र सिंह ने शिविर में पहुंचकर आमजन से शिविर की प्रतिक्रिया जानी। उपखंड अधिकारी ने शिविर में हो रहे कामकाज पर संतुष्टि जताई। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। शिविर में उपखंड अधिकारी ने पट्टे वितरित किए। आज राजलदेसर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज 2 वार्ड का यहाँ कैंप लगा हुआ है, जिसका निरीक्षण किया और ये निरीक्षण भी औचक निरीक्षण किया बिना सूचना के। आज यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट लगे और सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं। चूरू के राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया द्वारा कम्बल वितरित किए गए। इस कार्य के लिए चिकित्सा अधिकारी संजय बुंदेला ने भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज बाबूलाल जी दुधेड़िया के द्वारा 21 महिलाओं का और फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया है। उनको बाबूलाल जी की तरफ से एक एक सर्दी में कंबल भेंट किया गया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सिरोही के पास पाडिव गाँव में सरगरा समाज में श्री विष्णु भगवान मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति मेले का आयोजन किया गया। इस 10वें वार्षिक मेले में समाज के कई संत महात्मा व अन्य लोगों ने भाग लिया। इसी संदर्भ में सभी संतों ने अपनी अपनी मुखारविंद से समाज में जागृति के लिए सुझाव भी दिए। इस दौरान संत श्री मांगूनाथ ने नशा मुक्ति और योग के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर कई समाज बंधु संतगण और महिला शक्ति भी मौजूद रही। अरनौत कस्बे में संगम पैलेस पर साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन प्राचीन मंदिर गौरेश्वर महादेव से साधु संतों के सानिध्य में 301 कलश की यात्रा निकाली गई। भागवत कथा प्रवक्ता स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा कही जाएगी। इस दौरान आयोजित कलश यात्रा में काफी संख्या में लोग पहुंचे। यात्रा में महिलाएं पुरुष जगह जगह डांडिया नृत्य करते हुए चल रहे थे, जिसके बाद कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर भागवत कथा की आरती की गई। उसके बाद यज्ञ आरम्भ हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें 11 बटुक बालकों को यज्ञोपवीत धारण कराई गई। भरतपुर के डीग कस्बे में सोमवार की रात अज्ञात वाहन के टक्कर से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेफरल चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल बने सिंह के अनुसार मृतक रामबाबू शर्मा डीग कस्बे के औ गेट का रहने वाला था, जो कि पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद स्थल पर फूलों की दुकान करता था, जो दुर्घटना के समय घर से पैदल अपनी दुकान पर आ रहा था। जैसे ही वह किले के सामने पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचा, तभी वहां से गुजर रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। कोई अज्ञात वाहन से रामबाबू वासुदेव शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 55 साल निवासी अवग्रेड डी को हॉस्पिटल एडमिट कराया उनके बेटे के द्वारा। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखा तो उनको डेड घोषित कर दिया। वो घर से आ रहे थे और मैं दुकान से गया था, किले गेट से उनको उठा के लेके आया और हॉस्पिटल में। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ पता जानकारी लगी क्या? ये नहीं मालूम पड़ा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।